नमस्कार दोस्तों, थ्री डी रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वीडियो कॉन डीटीएच में एरर आता है E30 डैशबोर्ड, ये क्यों आता है और इसका समाधान हम कैसे करें। तो दोस्तों घर बैठे ही हम इसका समाधान कर सकते हैं हमारे मोबाइल से। तो जानकारी के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हमारा E30 डैशबोर्ड एरर क्यों आता है। आपका सेटअप बॉक्स या तो 5 से 10 दिन या 8 दिन या 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर अगर बंद रह जाता है तो आपका जब आप उसमें रिचार्ज करवाते हो जैसे ऑन करते हो तो उसमें एरर आना चालू हो जाते हैं। यानी कंपनी का कुछ टाइम होता है कि इतने टाइम के बाद में कुछ एरर आते हैं तो उसका आपको रिफ्रेश करवाना होता है। अब मान लो आपका E30 डैशबोर्ड एरर आ गया, आपका 4 दिन ही हुआ सेटअप बॉक्स को बंद हुए फिर भी वो एरर आ जाता है, वो क्यों आता है। दोस्तों यहाँ अगर उसमें आप पे जैसे मान लो बंद सेटअप बॉक्स में भी रिचार्ज करवा देते हो तब भी आपका एरर आता है, या आपकी डिस्प्ले नो सिग्नल होते हैं फिर उसमें आप सेटअप बॉक्स में रिचार्ज करवा देते हो तो वो एरर आपके यहाँ आ जाएगा। तो उस एरर को कभी भी आपको एरर आ जाए तो आपको क्या करना है, आपका मोबाइल आपको उठाना है और आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपको एक कॉल करना होता है। जो कॉल जिस नंबर पे आप कॉल करोगे वो कॉल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ आपको रजिस्टर नंबर पे कॉल करना है 1800137077। इस नंबर पे जैसे ही आप कॉल करोगे तो आपका कॉल जाके कट जाएगा और उसके आपको 1 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका सेटअप बॉक्स चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका एक रिफ्रेश करने का तरीका है आपके मोबाइल से। अगर फिर भी दोस्तों आपका रिफ्रेश ऐसा नहीं हो तो आपकी डिस्क का आप सिग्नल चेक करो, सिग्नल आपके सही हैं तो आप कस्टमर केयर के जो नंबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कस्टमर केयर के नंबर पे आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो 9115691156, ये कस्टमर केयर है। लेकिन आपका जो एरर है E30 डैशबोर्ड तो आपके रजिस्टर्ड नंबर से ही रिफ्रेश करने से प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो रजिस्टर नंबर है 1800137077, इस नंबर पर आप कॉल कर दीजिए तो आपका जो E30 डैशबोर्ड का एरर है आपका बिल्कुल आपको उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि एक ही समस्या का समाधान हमारे जो मोबाइल होते हैं उसमें मैसेज करके कॉल करके ही हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई, आप खुद ट्राई करो, अगर आपके भी ऐसे एरर आता है तो आपके मोबाइल से आपको सही कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है तो कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।